बी सिली बी ऑनेस्ट एंड बी काइंड। हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंटेंट लर्नर। दिस इज द 23rd पार्ट ऑफ अवर एंटोनिम सीरीज। नाउ लेट्स सी अवर थ्री वर्ड्स फॉर टुडे। अवर थ्री वर्ड्स आर एक्यूट, डेप्ट एंड ब्लंट। तो चलिए बात करते हैं कि इन थ्री वर्ड्स के लिए हम एंटोनिम्स क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का हिंदी में अर्थ होता है बरी करना, जैसे रिहा करना इसको कह सकते हैं। जब कोई जेल में बंद हो जाता है तो जब उसको रिहा कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है, तो उसी को एक्यूट कहते हैं। और इसके लिए एंटोनिम यूज़ करेंगे कन्विक्ट। इसके अब मतलब होता है दोषी ठहराना, बरी करने का उल्टा दोषी ठहराना, एक्यूट का कन्विक्ट। सेकेंड वर्ड इज़ डेप्टर। डेप्टर का हिंदी में अर्थ होता है कर्जदार, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है उसे कर्जदार कहते हैं। इसके लिए एंटोनिम यूज़ करेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर उसको कहते हैं जो उधार देता है। ये कर्जदार क्या हो गया? डेप्टर। और इसका उल्टा क्रेडिटर, एंटोनियम को ही उल्टा कहते हैं। थर्ड वर्ड इज़ ब्लंट। ब्लंट का हिंदी में अर्थ होता है कुंद। कुंद मतलब जैसे हमारी पेंसिल शार्प होती है, तो उसका उल्टा जो होगा वही कुंद होता है। शार्प का ब्लंट का शार्प, ब्लंट का उल्टा शार्प, एंटोनियम क्या हो जाएगा? शार्प। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।